हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल माय नेम इज आई अग्रवाल आई एम अ फाइनल ईयर एंड एक्राड एट आई गांधीनगर इन सी जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी के लिए बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे कैसे प्रिपरेशन से रिलेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाता हूँ सो दैट यू कैन क्रैक एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ एंड इन फ्यूचर आई आल्सो प्लान टू मेक वीडियोज ऑन आई आई टी में स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है क्या क्या चीज़ें आई से रिलेटेड आपको जाननी चाहिए उन सब पे वीडियो बनाने की मैं ट्राई करूँगा तो इंटर को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आज के वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हमें फ्री डी एस रिसोर्सेज़ के बारे में एक वीडियो चाहिए क्योंकि आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पेड हैं फ्री है कुछ लोग पेड अफोर्ड कर सकते हैं कुछ लोग नहीं कर सकते तो आज के वीडियो में बात करने वाले कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए बेस्ट कौन सा बिकॉज़ आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये यूज़ करें या ये देखें ये प्ले देखें या फिर ये भैया अच्छे हैं ये दीदी अच्छे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से रिसोर्सेज बेस्ट हैं एंड मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं रिसोर्सेज आपको सिर्फ वही फॉलो करना होगा एंड आपकी पूरी डीएसए की जर्नी एकदम स्मूथ हो जाएगी आपको कोई और रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मान लेते हैं आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता चिंता मत करो मैं इस वीडियो में लैंग्वेज सीखने से लेकर पूरी डी एस हो जाए वहाँ तक के सारे रिसोर्सेज बता दूंगा तो यहाँ पर हम मेनली लैंग्वेजेस कवर कर रहे होंगे सी प्लस प्लस जावान पाइथन तो तीनों लैंग्वेजेज़ के मैं फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ कि आपको तीनों लैंग्वेज सीखनी कैसे हैं जो भी आप सीखना चाहो वो सीख सकते हो एंड देन फिर हम डी स्टार्ट कर देंगे कि डी के लिए कौन से अच्छे रिसोर्सेज हैं एंड जो रिसोर्सेज मैं बताऊँगा वो लैंग्वेज बायज नहीं है मतलब चाहे आप सी प्लस प्लस में या जावा में या पाइथन में कोड कर रहे हो आप तीनों लोग वो सेम प्लेलिस्ट देख सकते हो या सेम वीडियो देख सकते हो और आपकी हेल्प हो जाएगी बिकॉज वो वीडियो इस तरह से बनाए गए हैं कि आप सी प्लस प्लस में जावाइन पाइथन में, में किसी भी कोड कर रहे हो आप वो वीडियो को देख सकते हो बिकॉज उसमें मेनली लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस किया जाता है देन एक बार लॉजिक आ गया उसके बाद यू हैव टू ट्रांसलेट द लॉजिक इन द कोड वो आप लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप ईजिली कर सकते हो एंड मैंने ये नोटिस किया यूट्यूब पर कि बहुत सारे प्ले अवेलेबल हैं लेकिन हर एक लेट साइड कोई भी डी की प्ले है तो उसमें हंड्रेड परसेंट नहीं पढ़ाया जा रहा अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव अच्छे से पढ़ाया जा रहा है बाकी जो 25% फाइव परसेंट डीएसए है वो मिस कर रहे हैं मतलब कुछ टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स नहीं है एंड अगर कुछ टॉपिक्स हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ाए गए तो मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा एक भी टॉपिक डीएसए का नहीं बचेगा तो आपको पता होगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो साहिल भैया ने बताया कि ये टॉपिक इस फ्री रिसोर्स जाके पढ़ सकते हैं दैट इज वाई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो कि आपको सारे रिसोर्सेज मैं बता दूंगा मान लिया आपने तीन चार महीने लगा के डीएसए पढ़ लिया लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है कि क्वेश्चन की तो मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन बेस्ट हैं एंड कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन में लिस्ट डाउन करने वाला हो आपको सिर्फ वही करने हैं एंड आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी लेट्स आपने क्वेश्चन भी कर लिया उसके बाद और कॉन्टेस्ट किस तरह से देने हैं कहाँ से देने हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हो एंड सब कुछ फ्री है आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा एंड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड जो भी रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो तो चलो लेट स्टार्ट द वीडियो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है मान लो आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती सो लेट्स से वी विल स्टार्ट विद द लैंग्वेज सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है वो कोड विद हायर की एक प्ले है सी प्लस प्लस की उसमें सेवेंटी फोर वीडियोज़ है लेकिन आपको वो सारे नहीं देखने आपको सिर्फ एटीनथ वीडियो तक देखना है क्यों बिकॉज एटीन वीडियो तक आपको जो मेन मेन टॉपिक्स जो एक लैंग्वेज सीखने के लिए आने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा टाइप्स आना चाहिए वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कंडीशन स्टेटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल एफ एल स्टेटमेंट्स उसके बाद फॉर लूप वाइल्ड लूप डू वाइल्ड लूप्स उसके बाद फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए उसके बाद एरेज के बारे में पता होना चाहिए एंड सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर्स के बारे में पता होना चाहिए तो ये सब जो है वो उस प्लेलिस्ट में एटीनथ वीडियो तक कवर हो जाता है उसके बाद उन्होंने ऊप्स पढ़ा है बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाईज वॉचिंग दैट ऊप् राइट नाउ बिकॉज पहले आप लैंग्वेज सीख लो फिर ये से कर लो उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन Uh, मे ऊपस करेंगे बिकॉज ऊपस ऑबियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किप्स अभी, अभी पढ़ो जो बेसिक्स हैं वो सारे पढ़ लोगे उसके बाद फिर हम डी एस स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सी प्लस प्लस की बेस्ट रिसोर्स है नेक्स्ट लैंग्वेज जावा में स्टार्ट करना है अपनी डी एस जर्नी तो जावा के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है वो अगेन मैं कोड कोडविथारी की प्ले लिस्ट सजेस्ट करूँगा ठीक है उसमें उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ रखे लगभग हंड्रेड प्लस वीडियोज़ है बट आपको सारे नहीं देखने अगेन यू ओनली नीड टू वॉच वीडियो नंबर थर्टी फाइव बिकॉज उसके बाद उन्होंने ऊपस पढ़ाने की कोशिश करी है जावा में तो अगेन ऊपस आपको अभी नहीं पढ़ना है बाद में पढ़ेंगे थर्टी फाइव वीडियो आपको पूरी जावा आ जाएगी, क्योंकि जावा में एक आ, अलग एडिटर हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है इंटेलिजी जबकि हम सी प्लस प्लस पाइथन के लिए मेनली बी एस कोड में कर लेते हैं बट जावा के लिए इंटेलीजी यूज करते हैं तो कोड विद हैरी ने पूरा इंटेलिजी में ही पढ़ाया है तो ये आप देख सकते हो थर्टी फाइव वीडियोज अगर आप लंबा लग रहा हो तो अपना कॉलेज का एक जावा इन वन शॉट वीडियो भी है दो घंटे का उसमें भी आप देख सकते हो लेकिन उसमें आपका बेसिक्स ही कवर होगा क्वेश्चन या더 प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेकिन कोड विद में आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ वो 35 वीडियोस हैं तो आई वुड सजेस्ट कोड विद की वो 35 वीडियोस वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर लर्निंग जावा नेक्स्ट लैंग्वेज है पाइथन अगर आपको अपनी डीएसए जर्नी की शुरुआत पाइथन में करनी है तो अगेन आई वुड सजेस्ट आई वुड रिकमेंड कि कोड विद हैरी की एक अगेन पाइथन की प्लेलिस्ट है शायद प्लेलिस्ट ने एक ही वीडियो है उसके अंदर थर्टीन चैप्टर्स है लेकिन आपको वो सारे नहीं देखने आपको सिर्फ नाइन्थ चैप्टर तक देखना है एंड आपको पूरी पाइथन आ जाएगी पूरी पाइथन का मतलब है जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होता है कि डेटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स हैं उसका सिंटैक्स है कंडीशनल स्टेटमेंट्स है फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा ठीक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स अगर होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा एंड कुछ और चीज़ अगर होती है पाइथन में तो उसके बारे में आपको उन नाइन चैप्टर्स में पता चल जाएगा उसके बाद वाले चैप्टर्स में अगेन उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपस पढ़ा है वो आपको अभी नहीं देखना है बिकॉज आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा हम पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे फ्री डी

नाव जब हमने लैंग्वेज सीख लिया चाहे वो सी प्लस प्लस जा हुआ या पाइथन हो नाव वी मूव ऑन टू स्टार्ट आर डी एस ए जर्नी सो द फर्स्ट टॉपिक वी नी टू अंडरस्टैंड इस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो द बेस्ट रिसोर्स फॉर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी राइट नाउ अवेलेबल इन इंग्लिश एज ऑफ स्ट्राइवर्स वन आर वीडियो वो आप देख सकते हो दैट इज़ वेरी गुड एंड अगर हिंदी में देखना है तो लव अबर का एक घंटे का वीडियो वो भी आप देख सकते हो सो दीज टू आर द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल एज ऑफ नाव एंड अगर आपको थियोरी पढ़नी है तो आप गीज फोर वीस पर जाकर भी थियोरी पढ़ सकते हो अगर आपको आर्टिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो वहाँ पर भी जाके देख सकते हो नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम्स। नाउ इट एस टाइम टू मूव ऑन टू द सिंपलेस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स सो वी विल स्टार्ट विथ एरेज द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल इन फ्री ऑफ एरेज इज़ आई वुड रिकमेंड स्ट्राइवर्स प्ले लिस्ट 28 हैज्वेंटीज़ एंड हीज़ सॉल्व अराउंड फोर्टी फोर इन दीज वीडियोज तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये जाके देख लो आपकी एरेज की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड कोई और रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक दिस इज इनफ टू स्टार्ट एंड लर्न एरेज एंड सॉल्व गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन

once we have solved arrays and we have learned about the sorting techniques in arrays it's time to move on to the strings so the best resource which is available right now is love Verber's videos two videos on strings i will put the link of these videos in the description you can watch these your concept will get cleared you will learn new things you will like he has also solved some questions in these two videos so you will get a bit of practice and let's say if you have watched these two videos and after that you think you need more practice then i would suggest go on internet and find out the top 50 string questions on geeks for geeks i would recommend solving all of them and definitely if you are able to solve all of them your concepts of strings will get cleared and those 50 questions will mostly cover all the different types of problems which are asked in interviews

अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी फ्रॉम देर सो अब हमारा बेजिक्स हो चुका है हमने लैंग्वेज सीख ली हमने एरेज शॉटिंग एंड स्ट्रिंग्स के बारे में सीख लिया नाउ इट्स टाइम टू डाइव इन टू द वर्ल्ड ऑफ एल्गोर्दम्स एंड टू द डिफिकल्ट पार्ट विच इज रिकर्जन तो रिकर्जन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू द स्टेज एंड क्विट कोडिंग बिकॉज देर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रिकर्जन अंडरस्टैंडिंग रिकर्जन विजुअलाइजिंग रिकर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यूर एबल टू गेट अ टीचर हु इज एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी ब्यूटिफुल देन दैट वुड बी ग्रेट मुझे टू बी ऑनस्ट यूट्यूब पर इतने अच्छे वीडियोज़ नहीं मिले रिकर्जन के मैंने तो पेड कोर्स में रिकर्जन पढ़ा था सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकर्जन वाज अलॉट बेटर बट फिर भी फ्री रिसोर्स जो मुझे बेस्ट दिखा वो है एक कोड चैनल है लीड कोडिंग बाय फ्राज उसके 26 सिक्स वीडियोज हैं ऑन रिकर्जन वेर ही हज स्टॉट रिकर्जन फ्रॉम स्कैच ही हैज़ ट्राइ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड हीज ऑल्सो सॉल्व सम ऑफ द फेमस प्रॉब्लम विच आर लास्ट इन द इंटरव्यूज सो आई थिंक आपकी इंटूएशन वहाँ से डेवलप हो जाएगी रिकर्जन की यू कैन वॉच दो सिक्स वीडियोज एंड आई थिंक दैट वुड बुड स्टार्ट योर रिकर्जन जर्नी बिकॉज रिकर्जन ऐसा टॉपिक है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा सो आई डों ट्वेंटी बट ऑबली फॉर स्टार्टिंग ट्वेंटी गुड नंबर नाउ विच कम ऑन टू द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरव्यूज एंड आल्सो द मोस्ट लव्ड टॉपिक ऑफ कॉम्पटेटिव प्रोग्रामर्स व्हिच इज़ बाइनरी सर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बाइनरी सर्च पे तो इसके लिए द बेस्ट रिसोर्स व्हिच आई फाउंड वॉज ट्राइवर की एक बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट है ऑफ ट्वेंटी नाइन वीडियोज़ ही हैज सॉल्व अराउंड 35 फाइव ऑन बाइनरी सर्च तो अब वो आप जाके देख सकते हो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू बिल्ड अ इंट्यूशन बिकॉज बाइनरी सर्च इंट्यूशन बेस्ड है बाइनरी सर्च आपको लगाना आना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन मिला तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दिस इज अ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम एंड टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दैट इज द मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेने के बाद तो कोड बहुत ईजी होता है बाइनरी सर्च का बट आइडेंटिफाई कर पाना ही मुश्किल होता है एंड दैट इज़ वॉट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाई वॉचिंग दैट प्ले बेस्ट है वो आप देख सकते हो क्वेश्चंस की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी उस प्लेलिस्ट से नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है लिंक लिस्ट तो लिंक लिस्ट का जो बेस्ट रिसोर्स है वो अगेन स्ट्राइवर की एक प्लेलिस्ट अभी बन रही है ट्वेंटी टू वीडियोज़ अभी तक अपलोड हो चुके हैं तो आप जाके देख सकते हो आई गेस ही विल कवर ट्वेंट फोर्टी फोर क्वेश्चन ऑफ लिंगलिस्ट विच इज़ आई थिंक मोर दैन अनफ फॉर अ लिंगलिस टाइप टॉपिक छोटा सा टॉपिक है एंड बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर्स का बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन इस पर पूछ लिए जाते हैं तो वो प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हो एंड आई थिंक ऑल योर कॉन्सेप्ट्स विल गेट क्लियर एंड देर आर इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विच ही हैज़ सॉल्व सो आई थिंक हज प्ले लिस्ट वुड बी गुड नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स विच वी विल लर्न इज स्टैक्स एंड क्यूज स्टैक्स एंड क्यूज़ के लिए लव अबर की एक प्ले लिस्ट है जिसमें छः सात वीडियोज हैं एंड यज कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज विद सम गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तो वो आप जाकर देख सकते हो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस प्ले लिस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन स्टैक्स एंड क्यूज सो उसके लिए यू कैन सर्च फॉर टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज ऑन गीक्स फॉर गीक्स एंड यू विल गेट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जाके सॉल्व कर सकते हो खुद एंड लेट्स इफ नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कशन सेक्शन होता है गीक्स फॉर गीक्स पे यू ऑलवेज डोंट नीड अ वीडियो लेक्चर जो आपको समझाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है यू शुड बी एबल टू लुक एट दोज डिस्कशन पेजेस एंड शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोड फ्रॉम देयर सो यू ऑलवेज़ डोंट नीड अ गाय हुए एक्सप्लेन्स यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो थोड़ा सा स्पून फीड हो जाता है खुद डिस्कशन पेज पर थोड़ा सा जाकर सर्च करने की कोशिश करो कि भाई कैसे सॉल्व हो रहा है मेरे से क्यों नहीं हुआ इन्होंने क्या अलग किया ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो डी एस ए में हमें पढ़ना है वो है बाइनरी ट्रीज़ एंड बाइनरी सर्च ट्रीज सो द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल राइट नाव फॉर बाइनरी ट्रीज इज़ स्ट्राइवर्स की एक बाइनरी प्ले लिस्ट है बाइनरी ट्रीज़ की प्ले लिस्ट है जिसमें उन्होंने फिफ्टी फोर वीडियोज़ बनाएँ एंड ये सोल्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज़ जो आपका कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्रीज़ का वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा वो बहुत अच्छे से आपको uh, समझ आ जाएगा फिर जिस तरह से डी एफ एस होता है जिस तरह से रिकर्जन काम करता है बाइनरी ट्रीज़ में वो आपको पता चल जाएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी तो आई वुड रिकमेंड अगर आपको अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ना अगर आप बाइनरी ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो उस ट्राइवर की प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी रहेगी नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू लर्न इज हैश मैप्स तो हैश मैप की एक दो तो तीन वीडियोज़ बना रखे लव बब्बर ने जिनका मिलिंग डाल दूंगा वो आप जाके देख सकते हो बट आई डोंट थिंक इट इज़ इनफ आपको हैश मैप क्या होता है पता चल जाएगा कोलिजन कैसे होता है री ऐशिंग का मतलब क्या है वो सब आपको चीज़ें पता चल जाएगी वीडियो से बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो इनफ नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट गो ऑन लीड कोड गोन टू द एक्सप्लोर सेक्शन ऑफ लीड कोड एंड उसमें हैश मैप कार्ड में यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम जहाँ से मैंने भी पर्सनली प्रैक्टिस करा था विच इज़ अ गुड सोर्स वहाँ से आप जाके हैश मैप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है वो है प्रायरिटी क्यूज एंड हीप्स तो सबसे पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हीप होता क्या है कैसे काम करता है हीप फाइल कोदम क्या है मैक्स हीप क्या है मिन हीप क्या है ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए बिकॉज इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है अब्दुल सर ने उनका मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैंने पर्सनली वहाँ से समझा था बहुत ही ब्यूटीफुल एक घंटे का वीडियो है ब्यूटीफुल तरीके से ही एज़ एक्सप्लेन उसके बाद नाउ व्हेन वी नो कि एल्गोरिदम क्या है कैसे काम करता है हमें कोड करना भी आना चाहिए तो कोड करने के लिए लव बब्बर के एक दो वीडियोज़ हैं हीप्स एंड प्रायरिटी क्यूज़ पर वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर उन्होंने सब कुछ समझाया इंटरव्यू क्वेश्चन भी उन्होंने करवाए बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अनफ यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन प्रायरिटी क्यूज एंड हीप्स बिकॉज एक क्वेश्चन अगर आपको मिलता है डी एस ए का एंड आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हीप का क्वेश्चन है वो एक डिफिकल्ट पार्ट होता है वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा सो द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग अगेन इज गो ऑन गूगल एंड सर्च टॉप फिफ्टी हीप डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन ऑन गी फॉर गीग्स एंड यू विल गेट फिफ्टी क्वेश्चन यहाँ पे इजी मीडियम हार्ड हुआ प्रैक्टिस ऑल ऑफ दैम एंड यू विल नॉट नीड टू प्रैक्टिस एनी मोर क्वेश्चन ऑफ हीप्स नेक्स्ट एलगोर्दम जो हमें समझना है वो है ग्रीडी एलगोर्दम्स तो इसके लिए मुझे इतनी कोई अच्छी प्लेलिस्ट नहीं मिली बट फिर भी लव बबर के शायद छः सात वीडियोज हैं ग्रीडी अलगोर्द पर दैट यू कैन वॉच बट आई डोंट थिंक दैट इज इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग अज टॉपिक एक्सरसाइज ग्रीडी अलगोर्दम्स सो हमें प्रैक्टिस के लिए क्या करना है मैंने एक लिंक डाल रखी है लीड कोड की जहाँ पर आपके टॉपिक वाइज ग्रीडी एलगोर्दम्स के क्वेश्चन है इट इज़ अराउंड थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अगर आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में कि कैसे करना है देन यू कैन ऑलवेज़ गो ऑन टू द डिस्कशन पेज ऑफ दैट लीड कोड प्रॉब्लम एंड वहाँ पर बहुत लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा पहले से उन्होंने अपनी अपनी अप्रोच शेयर कर रखी होगी वहाँ पर आप पढ़ सकते हो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या थी मैं क्या गलती कर रहा था एंड वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही प्ले लिस्ट रिकमेंड करता हूँ वो है स्ट्राइवर की प्ले लिस्ट जहाँ पर उनके कुछ फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी वीडियोज़ हैं एंड ही ये अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फिर भी वो कम पड़ जाएंगे बिकॉज ग्राफ इतना वास्ट टॉपिक है बट आपका बेस सेट हो जाएगा आपके जो मीडियम लेवल के ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली सॉल्व करवाओगे आफ्टर वाचिंग दैट प्लेलिस्ट नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग तो अगेन डायनामिक प्रोग्रामिंग सुन के बहुत लोग डर जाते हैं एंड डरने वाली बात भी इतना डिफिकल्ट है बट इसका जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है वो है स्टाइवर की एक प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो वहाँ पे ही हैज़ सॉल्व 55 टू 60 क्वेश्चंस एंड बहुत अच्छी तरीके से ही हैज़ इज ऑल ऑफ देम वहाँ पे आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम वन डी डी पी टू टू डी डी पीज एक्सप्लेन द इंट्यूशन कैसे डेवलप करते हैं रिकर्जन रिकर्जन जो हमने पहले सीखा था उसको यूज़ करके हमें डी पी करना है आई हैव पर्सनली वॉच ऑल ऑफ हज वीडियोज एंड हिज प्लेल गेव मी अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ हाउ डी पी वर्कस बट ये भी इनफ नहीं होगा आपको प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन आपको बताऊँगा आपको कौन से प्रैक्टिस करें डी पी के लिए बट आपका बेस सेट हो जाएगा एंड आप जो मीडियम लेवल के डी पी क्वेश्चन होते वो आप कर पाओगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज ट्राइज तो ट्राइज मतलब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बट कभी कभार इंटरव्यूअर्स ट्राइस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड मेनली लोग इसे साइड कैरेक्टर समझ के छोड़ देते हैं एंड अगर आपको इंटरव्यूअर ने ट्राइस पूछ लिया एंड आपने ट्राइस को साइड कैरेक्टर समझा हुआ होगा तो वो साइड कैरेक्टर एक विलन बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा इंटरव्यू में एंड आपकी बैंड बच जाएगी ठीक है तो हमें ट्राइज नहीं छोड़ना है तो ट्राइस पढ़ने का जो बेस्ट सोर्स है वो अगेन स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट है छः सात वीडियोज़ हैं ट्राइज़ के वहाँ से आप ट्राइज पढ़ो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराया वो कर लो मोर दै इनफ है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ट्राइज़ के मैंने पर्सनली ट्राइज वहाँ से ही पढ़ा है तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा अच्छा रिसोर्स ट्राइज में अवेलेबल है राइट नाउ फॉर फ्री नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए डी में वो है हफ़ मैन कोडिंग तो हफ मैन कोडिंग आ, अगर आपको समझना है तो उसके लिए अब्दुल बारी सर की अगेन एक बहुत ही अच्छी एक घंटे की वीडियो है शायद एक घंटे के नीचे बीस पंद्रह बीस मिनट की वीडियो है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने खुद वहाँ से समझा था अफमान कोडिंग जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे या फिर मेरा डी का प्रिपरेशन था बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने समझाया तो अब समझ लो अगर इंटरव्यूअर में पूछा जाए तो फिर अगर हमें आता है तो अच्छी बात है ठीक है तो यहाँ पे एंड होती है हमारी डी एस ए प्रिप्रेशन की जर्नी यानी कि जो हमें टॉपिक सीखने थे हमने सीख लिए विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अब हम एंड कर चुके हैं तो अब हमें प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आँ� गीस फॉर गीकस के टॉप 50 ग्राफ क्वेश्चंस करो टॉप फिफ्टी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करो टॉप फिफ्टी बाइनरी ट्रीज़ के क्वेश्चन करो टॉप फिफ्टी प्रायरिटी क्यू या हीप के क्वेश्चन आपको करने हैं उसके बाद आपको लीड कोड पे जाकर टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के हार्ड क्वेश्चंस करने ठीक है इजी मीडियम वाले नहीं करने हार्ड क्वेश्चन करने ठीक है ये सारे आपको करने हैं सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट एक्चुअली जो आप प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे तो अगर मैंने ये 200 250 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने के लिए बताएं उसमें शायद आपको जो नए क्वेश्चन होंगे वो शायद एटी नाइनटी होंगे जब हम सीख रहे थे डी ए से इसका मतलब यहा कि हमने एक टॉपिक पकड़ा लेट्स डी पी एंड उसके हमने पचास प्रॉब्लम करे हमने ग्राफ्स लिया एंड उसके पचास प्रॉब्लम करे उसके बाद लेट्स आपने ग्राफ्स पढ़ लिया उसके पचास प्रॉब्लम किए उसके बाद आप डी पी शिफ्ट हो गए तो आपने ग्राफ्स को टच ही नहीं किया एक महीने तक तो शायद आप भूल गए हो तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो उसके लिए ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं फॉर पे सॉल्व करने हैं तो ये तो क्या होगा कि जब हम लेट से ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि ग्राफ का क्वेश्चन है जब हम का क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें पता है कि डीपीए क्वेश्चन इसका मतलब हमें 50 परसेंट काम तो हमारा ही गया कि हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ रहा कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा या इसमें डीपी लगेगा बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि हम बाइनरी सर्च सीख रहे हैं तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन होगा ठीक है लेकिन जब कोडिंग इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइम पे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना ये बाइनरी सर्च है या डीपी है या इसमें प्रायोरिटी क्यों लगेगा ठीक है तब तो आपको बताएंगे नहीं ना कि ये भाई बाइनरी सर्च लगना है लगा तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे व्हेन वी विल सॉल्व रैंडम प्रॉब्लम्स तो रैंडम प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं वो आते हैं कॉन्टेस्ट्स में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉम्परेटिव कोडिंग वाले कॉन्टेस्ट नहीं देने कोड फोर्सेस पे तो आप लीड कोड के कॉन्टेस्ट दे सकते हो जो वन पॉइंट फाइव आर के होते हैं एंड उसमें चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्वेंटी फाइव टू थर्टी कॉन्टेस्ट्स मिनिमम दो एंड लेट्स आपके एक कॉन्टेस्ट में दो क्वेश्चन हो रहे हैं तो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद जो बाकी के दो क्वेश्चन जो आपसे आपने हुए वो आपको अब सॉल्व करना है ठीक है चारों क्वेश्चन जो कॉन्टेस्ट में आएंगे वो रैंडम होंगे आपको टॉपिक नहीं पता होगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड देन आपको कोड करना पड़ेगा तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर द कोडिंग राउंड एंड फॉर ऑल द कोडिंग इंटरव्यूज ठीक है तो अगर आप ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लीड कोड कॉन्टेस्ट भी दिए एंड हर कॉन्टेस्ट में आपने चार क्वेश्चन सॉल्व किए दैट कम्स आउट टू बी हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी रैंडम प्रॉब्लम विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो आपको मिनिमम करनी ही चाहिए जो हम डी ए प्रैक्टिस कर रहे थे एंड जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताए उसमें लेट से हमने फाइव हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करे ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये सौ से एक सौ बीस क्वेश्चन मिनिमम कर रहे हैं विच टेक्स द काउंट टू अराउंड सिक्स हंड्रेड टू सिक्स ट्वेंटी जो कि एक अच्छा काउंट है आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ 200 क्वेश्चन किए एंड यू आर थिंकिंग दैट यू विल बी एबल टू क्रैक अ बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसा नहीं होता आपको 600-700 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने पड़ेंगे उसके बाद आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप सिर्फ दो क्वेश्चन करोगे तो उसमें चांसेस बहुत कर, कम होंगे अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपका हो जाएगा आपने सिर्फ मेन मेन क्वेश्चन कर रखे है उसमें से इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो आपका शायद हो जाए बट मेनली आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड आपको अराउंड 600 हंड्रेड टू सिक्स फिफ्टी प्रॉब्लम्स मिनिमम कर रहे हैं मैंने आपको सारा पार्ट बता दिया सारे रिसोर्सेज बता दिए आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है आप इस वीडियो को देखो एंड अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप लेट से बीच में हो प्रिपरेशन के जहाँ पे भी हो वहाँ से आप वहाँ से आप मेरे बताए हुए रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो एंड यू विल नॉट रिग्रेट क्योंकि मैंने आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था थैंक यू सो मच